प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करे और आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 33 और वचन नंबर 2 और 3 हम पहले देखेंगे। लिखा है, यहोवा पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ सामने प्रार्थना करोगे और मुझसे पूछोगे और मेरे साथ बात करोगे, तो मैं तुम पे क्या करूँगा, जो आने वाली विपत्तियां हैं, आने वाला जो समय है, वो मैं तुम पे जाहिर करूंगा, तुम्हें हर कठिन से कठिन बात मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकने होंगे, परमेश्वर पे जो वचन है परमेश्वर के उस पे भरोसा करना होगा और परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, जो बाइबल में नबी थे, जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर ने जिनको चुना था, वो जब भी उन पे परमेश्वर कोई वचन अपना जाहिर करते थे तो वो हर काम होता था और वो लोगों को बता देते थे समय से पहले कि ऐसा होने वाला है और तुम लोग इससे इस रीति से बच सकते हो। क्योंकि परमेश्वर आप सबको बचाना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दंड नहीं देना चाहते, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आने वाले समय से, आने वाली विपत्ति से बचने के लिए परमेश्वर आप पे हर राज जो है वो जाहिर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। आगे वचन नंबर 7 और 8 हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं यहूदा और इसराइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और उन्हें पहले के समान बसाऊँगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्हें जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको माफ़ करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आपके जो पाप हैं वो अपने ध्यान में रखें। परमेश्वर उस सब से अपना ध्यान हटाकर आपको अपने गले से लगाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको किसी भी हालत में मरने नहीं देना चाहते, वो आपको सदैव जीवित रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं कि आप मन फिराइए और लौट आइए, परमेश्वर पे भरोसा करिए, परमेश्वर की विधियों पे चलिए, ताँ जो परमेश्वर की जो कल्पना है आपके विषय में वो पूरी हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि मेरी जो कल्पनाएं हैं वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं वर्ण कुशल की हैं, और अंत में जो तुम्हारी आशा है वो पूरी होगी। इसके लिए तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा करके परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना है। मेरे प्रियो, आप वचन पढ़िए, वचनों पे चलिए, परमेश्वर के जो विधियां हैं उन्हें समझिए और उन पे मनन करिए मेरे प्रियो, ताँ जो परमेश्वर की जो इच्छा है, जो बहलाहट है आपके जीवन में, वो पूरी हो सके। हालेलुया। आगे वचन नंबर 14 में हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं के कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी गई है वो काफ़ी हद तक पूरियां हो चुकी हैं और आगे जो बची हैं वो पूरी हो रही हैं। मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी अधूरा नहीं रहता, परमेश्वर का जो भी वचन है वो हमेशा पूरा होता है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मुख से निकला हर वचन उस बाण की तरह है जो अपना काम करके ही पीछे लौटता है, वो कभी अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भी मैंने भविष्यवाणी की है, जो भी वचन मैंने यहूदा और इज़राइल के बारे में कहे हैं वो जरूर पूरे होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब इज़राइलियों को इधर उधर बिखेरा था गुस्से के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रीस दिलाई, हमारे बुजुर्गों ने मूर्तियों की पूजा की, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा और
अब परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करूं और सबको अपने साथ यरूशलेम में बसाऊं। सो इसीलिए परमेश्वर ने हर घर से, हर घराने से एक को, दो को, किसी गांव को, किसी मोहल्ले को चुना है कि परमेश्वर के जहां जहां भी इजरायली लोग ठहरे हैं, जो परमेश्वर की भेड़े हैं, उन्हें चुनकर वो अपने साथ ले जा सके। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जो भी मैंने कहा है वो सब पूरा होने वाला है, वो सब कुछ पूरा होगा। इसीलिए बहुत ही जल्द वो सब कुछ हो जाएगा जो भी मैंने कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है, जो भी मैंने योजना तुम्हारे विषय में की है वो पूरी होंगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं कि अपना मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं नूह की कहानी देखते हैं, उस समय जब परलो आने वाली थी तो परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। मेरे प्रियो, तो अंत में क्या हुआ कि परलो आई और वो सभी लोग खत्म हो गए और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इसी रीति से आपसे भी कह रहे हैं मेरे प्रियो कि मन फिराओ और लौट आओ, भरोसा रखो परमेश्वर पे, क्योंकि जो यहोवा पे भरोसा करते हैं उनके जीवन में कोई घटी नहीं रहती। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब नीनवे के लोगों को परमेश्वर ने बचाना था, जब पाप बहुत बढ़ गया था वहां पे, तो वहां पे जुना नबी को भेजा और उन्हें बताया कि तुम्हारा जो देश है वो खत्म होने वाला है, परमेश्वर तुम पे क्रोधित है। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया उन वचनों पे, तो उन्होंने घुटने टेके, टाट ओढ़े और परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं की और वो देश बचाया गया। मेरे प्रियो, इसी रीति से आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कह रहे हैं कि मन फिराओ, लौट आओ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने देना चाहता। कि मैंने, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हें व्यर्थ ही नष्ट नहीं होने दूंगा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे हर अपराध को, हर पाप को क्षमा करूंगा और तुम्हें गले लगाऊंगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पे भरोसा करके देखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप मन फिराएं और लौट आए, आप अपने गुनाहों से, पापों से क्षमा मांगिए परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। प्रभु प्रभु नहीं चाहते कि आप अपने गुनाहों में फंसे हुए मर जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सदा का जीवन अपनाएं। सुप्रियो, आइए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समत और बुद्धि से ब्लेस करें और हम वचनों पे चल पाए। हालेलुया, आइए आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। खुदा, हे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समत बुद्धि से ब्लेस किया है, ता जो हम इन वचनों को समझ पाएं और इन वचनों पे चल पाएं। पिता, इस समय जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उन सब के हृदयों में आपका पवित्र आत्मा ठहरे, उन्होंने स्पर्श करे पिता, और वो अपना मन फिराकर आपकी हजूरी में लौट आए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप अपने स्वर्ग दूत भेजकर हमें हर समय हर विपत्ति से बचाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना है, आप हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हे खुदावन, हम आपके हाथों में आते हैं पिता, आप हमें संभालिए और हमें हर विपत्ति से बचा के रखें, हम आपके वचनों पे चल पाएं, ऐसा मन हमें दिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।